जो परिणाम आएगा बोचहा का, हम लोग का जो आकलन है, तो परिणाम तो कैद है, कल जारी होगा मतगणना के बाद, लेकिन प्रथम दृष्टया जो दिखता है वो राजद के पक्ष में दिखता है कि कोई ऐसा वर्ग नहीं, कोई ऐसा धर्म नहीं, औरत हो या मर्द, अगड़ा हो या पिछड़ा, दलित हो या महादलित, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग, हर धर्मावलंबियों ने बढ़ चढ़ करके राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया है। तो यह जो रुझान है ना मतगणना में परिणाम के रूप में दिखेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और एक बात आप जान लीजिए, पका हुआ आम भाजपा खा रही है, नीतीश जी पके हुए आम हैं, जितना आहार लेना है भाजपा को ले रही है। सब लोग गए थे, ये बात भी सही है, भारत सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री बोड़ा खोले हुए थे, कई अधिकारियों ने इस दृश्य पर अपनी पैनी नज़र भी रखी है। उसके बाबत भी जो उत्साह नर और नारी में दिखा, युवाओं में दिखा, युवतियों में दिखा, वो डालने के क्रम में, वह इस बात के प्रमाण है कि राजद के नेता और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो उन्होंने स्थापित किया मूल्यों को, सिद्धांतों को, ए टू जेड की परिभाषा को, राहें विघ्न भरे हो सकते हैं पर मंजिल दूर नहीं है। क्योंकि जब कोई लक्ष्य को आप साधते हैं तो बाधाएं उत्पन्न होती है, लेकिन जो साधक होता है, लक्ष्यों को साधने की दिशा में बढ़ जाता है, तो अवरोध का प्रवाह नहीं करता। और कल के परिणाम जो बुझा के होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है जन्म ताकत पर कि वो राजद के पक्ष में ही परिणाम आएगा। लेकिन जानकारी है मैंने कि तीर्थंकु लड़ाई होगी। देखिए, वहाँ पर वीआईपी और भाजपा दोनों लड़ रही है कि फर्स्ट सेकंड कौन थर्ड कौन, लड़ाई इतने ही भर है मात्र, इससे आगे की लड़ाई वहाँ नहीं है। जो लोग अगर ये समझ रहे हैं कि लड़ाई कुछ और की है, तो हमको लगता है कि मूल्यांकन करने में कहीं चूक कर गए हैं। फर्स्ट सेकंड की लड़ाई नहीं, सेकंड और थर्ड की लड़ाई वहाँ चल रही है कि थर्ड कौन होगा और सेकंड कौन होगा, एक दूसरे को ढकेलने में दोनों में कौन होगा, यह दिखा क्लियर हो चुका है। देखिए, फर्स्ट पर रुझान तो दिखते हैं, बाकी तो गणना के बाद ही कोई बोल सकता है। लेकिन हमें जो जिनको भी हल्का भी समझ है और रुझाने जो हैं, वो दिखा रहा है कि राजद हर हाल में जीतेगा, बाकी तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा। इस बार देखा गया मुख्यमंत्री जी को भी एक सीट के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अब हम मिट्टी मिल चुकी है। बिना सिद्धांत की राजनीति, बिना चरित्र के ज्ञान के प्रोधा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। अब उनकी बातों को गंभीरता से लोग लेना भी बंद कर दिया है। जब नेतृत्वकर्ता की बातों को आवाम, जनमानस गंभीरता से लेना बंद कर दे, तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति मिट्टी में मिलता जा रहा है। घर में हम निंदा किए, किसी मुख्यमंत्री पर हाथ उठाना जघन्य अपराध है, मैं इसे कतई स्वीकार नहीं करता। लोकतंत्र में वोट की चोट का महत्व होता है, लोकतंत्र चलता है बोली से, गोली से नहीं चलता। कोई पड़ाका छोड़ रहा है भाई, ये क्या हो गया है भाई, कौतूहल का विषय बनता जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है राज्य का। आज तक आजाद हिंदुस्तान में ऐसे कोई मुख्यमंत्री नहीं होंगे कि कौतूहल की वस्तु बन गए हों। कौतूहल बस को जाता है देख कर करके, नहीं होता है कोई छुरछुरी छोड़ रहा है तो कोई कुछ बोल रहा है, यह दृश्य दुर्भाग्यपूर्ण है।